Dear students and learners, a warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel, English Mania, Feed the Mind, Feel the English. So today's video lecture is about writing a skill topic, mind mapping, which is prescribed to you in your 12th English textbook. So let's see what is mind mapping. So a mind map is a diagram used to visualize different ideas. It shows relationships among pieces of the whole. It is often created around a single concept drawn as an image in the center. Main ideas are connected directly to the central concept. Other ideas branch out from those major ideas. Okay, तो एक main idea होता है और उसकी अलग अलग branches होती है, उससे related अलग अलग ideas जो है वो लिखे जाते हैं. इसी को हम mind map कहते हैं. माइंड मैप एक डायग्राम होता है जो कि आप डिफरेंट आइडियाज़ को विजुअलाइज करने के लिए लिखते हैं हम. माइंड मैपिंग इज़ अ टूल फॉर द ब्रेन दैट कैप्चर्स द थिंकिंग दैट गोज ऑन इनसाइड आर माइंड. हमारे माइंड में जो बातें चल रही हैं, जो थिंकिंग चल रही है, उसको कैप्चर करने के लिए एक टूल के तौर पे काम करता है. इट हेल्प्स अस टू थिंक, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, टू रिमेंबर एंड टू क्रिएट आइडियाज़. और माइंड मैपिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और उन इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए और अपने आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. माइंड मैप सच टू थिंक, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, टू रिमेंबर एंड टू क्रिएट आइडियाज़. माइंड मैपिंग जो है हमें सोचने में हेल्प करता है और हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है, उन इन्फॉर्मेशन को याद रखने में हेल्प करता है और हमारे खुद के आइडियाज़ को क्रिएट करने में हेल्प करता है. माइंड मैपिंग टेस्ट आर थिंकिंग कैपेबिलिटी, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है. द ब्रेन थिंक्स बाय इमेजिनेशन, एसोसिएशन एंड कनेक्शन. द कनेक्शंस आर एसेंशियल फॉर रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग. इट हेल्प्स टू समराइज इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे. अब देखते हैं कि व्हाट इज़ माइंड मैपिंग. देखिए, फर्स्ट वन इज़ ग्राफिक वे टू प्रेजेंट आइडियाज़. माइंड मैपिंग क्या है? ग्राफिक वे है हमारे आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए. दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विजुअल थिंकिंग टूल. माइंड मैपिंग जो है एक विजुअल थिंकिंग टूल है जो कि एनालिटिकल एंड आर्टिस्टिक आइडियाज़ को जो है वो एक फिगर देने में हमारी हेल्प करता है. इनेबल्स आर ब्रेन टू रिकॉल. और इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है इजीली रिकॉल कर सकता है सारी इन्फॉर्मेशन या सारी थिंकिंग जो भी हमने सोचा है. इन्फॉर्मेशन इज़ स्ट्रक्चर्ड. और जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर माइंड मैपिंग देता है. तो ये तो सब हो गया माइंड मैपिंग के बारे में. अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइंड मैपिंग, की माइंड मैपिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं. सो देर आर सर्टन एडवांटेजेस. फर्स्ट वन इज़ एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स. सेकेंड वन इज़ लेट आर थॉट्स आइडियाज़ फ्लो फ्रीली. थर्ड वन इज़ फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड आइडियाज़. फोर्थ वन इज़ गैदर ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़. फिफ्थ वन इज़ मेमोराइज इन्फॉर्मेशन रिटेंशन. सिक्स्थ वन इज़ क्रिएट प्रेजेंटेशंस. सेवन्थ इज़ एग्जीक्यूट ग्रुप प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ माइंड मैपिंग इज़ इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव राइटिंग, एंड लास्ट वन इज़ मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग. सो दीज आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ माइंड मैपिंग. Now let's see example of mind mapping. जो टॉपिक है वो है इंग्लिश टेंसेस. आपको बताऊँगा इंग्लिश टेंसेस क्या होते हैं. देखिए, जो हमारा मेन आइडिया है, मेन कंसेप्ट है, वो इंग्लिश टेंसेस है. और इसकी ब्रांचेस आप देख सकते हो तो तीन मेजर ब्रांचेस है. पहली तो है प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट. ठीक है, प्रेजेंट है पहली, फिर सेकेंड है पास्ट, और फिर थर्ड वन इज़ फ्यूचर. तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. फिर आप देखिए कि प्रेजेंट टेंस से चार टेंसेस निकल रहे हैं जो कि सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. ठीक है,
फिर पास्ट से भी वही चार ब्रांचेस निकल रही है, फ्यूचर टेंस से भी वही चार ब्रांचेस निकल रही हैं। बस इसमें एक जो एक्स्ट्रा की अगर लगती है तो वो ये है कि फ्यूचर में ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इट्स जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड मैपिंग, जस्ट टू लेट यू नो व्हाट इट लुक्स। नाउ लेट्स सी, सो एज यू कैन सी द मेन कंसेप्ट इज़ फ्रेंडशिप। एज यू कैन सी देयर आर फाइव फ्रेंड्स हु आर टुगेदर एंड देयर आर सर्टन ब्रांचेस। फिर उस थिंकिंग से जो ब्रांचेस निकलती है तो देखिए, पहली ब्रांच को अगर हम देखें ऑन राइट हैंड साइड, लव, हेल्प, फिर क्रिटिसाइज, इंजॉय, स्ट्रॉन्ग, ब्लेसिंग, लाइफ लॉन्ग, सेक्रीफाइस, केयर। तो मेन कॉन्सेप्ट से ब्रांचेस निकली, फिर ब्रांचेस से और भी आइडिया है वो आए और कनेक्ट हो गया, जैसे कि इमोशनली, फिर सॉल्यूशन, फॉरएवर, गुड, जजिंग, ऐसे ऐसे करके सारा कुछ। तो यही होता है माइंड मैपिंग, यानी एक कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट निकलना, एक मेन कंसेप्ट से जो सारी बातें हमें याद आते जाती हैं वो सारे जो है उसमें जुड़ते जाते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ माइंड मैपिंग विच इज़ देयर इन यूअर इंग्लिश क्लास टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 64। आपकी जो इंग्लिश की बुक है वो पेज नंबर 64 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, नेचर इज़ अ ग्रेट टीचर एंड अ गाइड, ये टॉपिक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंप्लीट द माइंड मैप एज इंस्ट्रक्टेड एज पर द टाइटल्ड कंसेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो नेचर इज़ अ ग्रेट टीचर एंड अ गाइड को हमने मेन कंसेप्ट के तौर पे लिया है कि नेचर टीचेस, नेचर हमें क्या सिखाता है। तो दो ब्रांच हमने निकाली है, पहला जो हमारा आइडिया है वो है प्रेजेंस एंड अवेयरनेस, ये मैं आपको आंसर बता रही हूँ, प्रेजेंस एंड अवेयरनेस इन डेली लाइफ, और नेचर टीचेस अस टू एडजस्ट विथ सिचुएशन, ठीक है, ये हो गया। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, एक तो टू कीप पेशेंस, और दूसरा है देयर इज़ ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, और थर्ड वाला जो कंसेप्ट हमारा जा रहा है, नेवर टू स्टॉप डिस्कवरिंग। तो बहुत ही इजी वे में मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको कि माइंड मैप क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव गॉट वॉट एवर आई हैव टॉट यू इन दिस शॉर्ट वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग द चैनल, थैंक यू सो मच।